बीड, बीड मतलब टेंडर, बीड मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेंडर, टेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, बीड। जनरली बीड मतलब होता है बोली लगाना, कोई भी जगह पे हम लोग बोली जो लगाते हैं उसको बीड बोलते हैं। थोड़ा सा बीड को हम लोग समझा देते हैं मैं आपको, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए। देखिए बीड में जनरली दो इन्वेलप होते हैं, एक टेक्निकल बोलते हैं, कलर बदलता हूँ थोड़ा मैं, रेड, एक को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल और एक को बोलते हैं फाइनेंस, है ना, टेक्निकल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग फाइनेंस इनवेलप। ऐसे दो इनवेलप होते हैं जी बीड पे। पहला डायरेक्ट परचेज था, अभी तक हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था। डायरेक्ट परचेज कैसा हुआ, हमारा जो ऑर्डर्स थे डायरेक्ट परचेज में वो कैसा था, अमेजन जैसा था कि आपको, आपने समझ लो कि आप बायर हो, अमेजन पे क्या हो, आप बायर होते हो और कोई आपको बेचता है तो वो क्या होता है, आपका सेलर होता है। तो जब भी आप कुछ खरीदते हो तो आप कहीं कुछ नहीं देखते, आपको पसंद आया आपने ऑर्डर कर दिया, आपके घर पे डिलीवरी हो गया, है ना। तो जिसने बेचा वो कौन हो गया, सेलर। मान लो आपने को एक कंप्यूटर चाहिए था और मेरा प्रोडक्ट आपने चूज किया है, भगत टेक्नो कंप्यूटर बेच रहा है और उसका प्रोडक्ट आपने बेचा, मेरे कंप्यूटर और बहुत सारे लोग थे, क्या मेरे कंप्यूटर को पता चला कि अरुण सर ने मुझे ऑर्डर दिया, नहीं पता चला, किसी को कुछ भी पता नहीं चला ऑर्डर किस पार्टी का आया और किसने डिलीवरी दिया। ये होता है डायरेक्ट परचेज में, जैसे कि अमेजन वगैरह में, फ्लिपकार्ट में होता है। और एक होता है खरीदने का तरीका जिसको हम लोग अभी दूसरा तरीका बता रहे हैं, वो है बीड। टेंडर में क्या होता है, टेंडर में हम बताते हैं, अब टेंडर में हमको क्या है, अभी 10 कंप्यूटर चाहिए, जैसे कि हमने बात कर रहे हैं हम लोग कि मुझे 10 PC चाहिए, अजय सर को 10 कंप्यूटर चाहिए। तो अजय सर ने क्या बोला, अब अजय सर ने ऑनलाइन जाके कहीं खरीदा नहीं, कहीं पर जाके उसने खरीदा नहीं, अजय सर ने क्या किया, अजय सर ने पेपर में डाल दिया कि मुझे 10 कंप्यूटर चाहिए, एक न्यूज़पेपर में डाल दिया या एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि मुझे 10 कंप्यूटर चाहिए, 15 दिन के अंदर मुझे चाहिए। जिसको इंटरेस्टेड हो, जो देना चाहते हो इंटरेस्टेड हो, वो मेरे ऑफिस में आके मुझे कोटेशन दे दो। अब क्या हो गया, बायर ने इनवाइट किया सेलर लोगों को कि जिसको इंटरेस्टेड है वो आ जाओ, मतलब आप जिनको इसके बारे में पता चला और वो यदि दे सकता है तो वो आके अपना कोटेशन डाल के चला गया। तो ये जो तरीका है इसको ही हम लोग टेंडर बोलते हैं। तो ये ऑफलाइन हो गया, ये चीजें यहाँ पे ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन में क्या, अभी इसमें थोड़ा सा अभी देखो, अभी ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। अब गवर्नमेंट की ये जो वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट कुछ नॉर्म्स के साथ काम करती है, मतलब कुछ रूल्स के साथ काम करती है। वो रूल्स किस तरीके से काम करता है, अब ये हमें समझना पड़ेगा। समझ में आया क्या टेंडर और डायरेक्ट परचेज में डिफरेंस, बेसिक तरीके से पहला ये क्लियर हो जाना चाहिए। टेंडर किसको बोलते हैं और डायरेक्ट परचेज किसको बोलते हैं, ये क्लियर हो गया। सर फिर से बताइए जरा। डायरेक्ट परचेज क्लियर है सबको, डायरेक्ट परचेज जस्ट लाइक ऑफ अमेजन, जैसे आप अमेजन पे एज ए बायर ऑर्डर देते हो उसको ही हम लोग डायरेक्ट परचेज बोलते हैं। टेंडर क्या होता है, टेंडर में आप इनवाइट कर दिए लोगों को कि मुझे अभी 10 कंप्यूटर चाहिए, चाहे वो आपने पेपर में डाल दिया, जाके 10 दुकान में जाके बोला, कहीं पर भी आपने डाल दिया है और आपने सबको बता दिया मुझे 10 कंप्यूटर चाहिए, जिसको है वो आके इंटरेस्टेड है वो आके मेरा मुझे कोटेशन दे के जाओ। तो ये जो तरीका है इसको हम लोग टेंडर बोलते हैं, जब बायर इनवाइट करता है सेलर को कि मुझे ये चीजों की जरूरत है, आप मुझे कोटेशन दो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वन टाइप ऑफ टेंडर। क्लियर है यहां तक डायरेक्ट परचेज और टेंडर। अब हम लोग इसके आगे के पार्ट में बात करते हैं, अब ये प्राइवेट सेक्टर में या जनरल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अब हम लोग आते हैं जेम का या गवर्नमेंट बॉडी के नॉर्म्स के ऊपर कि गवर्नमेंट बॉडी किस तरीके से यहाँ। तो देखिए यहाँ पे दो पार्ट होती है,
अब गवर्नमेंट बॉडी जब यहाँ पे जेम पे कोई चीज चाहिए उसको उसको टेंडर के थ्रू से चाहिए, तो वो जेम पे अपना टेंडर पब्लिश करता है। अब वो पेपर में नहीं डालता, या लोगों को अनाउंसमेंट जा जाके अनाउंसमेंट नहीं करता, उनको एक पोर्टल दिया है, ऑनलाइन एक पोर्टल दिया है, उस पोर्टल में वो अपना डाल देता है। जैसे कि आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो क्या करते हो आप, बहुत सारी कंपनी की वेबसाइट में जाके ढूंढते हो कि कहाँ कहाँ जॉब है, उनके वेबसाइट में लिखा होता है मुझे अभी भगत टेक्नो को 10 आदमी की जरूरत है, तो मैं क्या करूँ, दूसरी गड़बड़ मुझे आज 10 आदमी की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे वेबसाइट पे जाके tendersolution.co.in के वेबसाइट में जाके डालूंगा कि मुझे 10 आदमी की रिक्वायरमेंट है, जिसको इंटरेस्टेड है वो इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो मैंने क्या किया, मुझे जो 10 आदमी का चाहिए था मैंने उसका टेंडर डाल दिया मैन पावर का। ऐसे गवर्नमेंट बॉडी जितने लोग हैं उनको गुड्स या सर्विसेज खरीदना है, तो उनको गवर्नमेंट बॉडी ने एक जेम का वेबसाइट दिया है कि आपको अभी यदि कोई चीज खरीदना है तो आप यहाँ के वेबसाइट में अपना डाल दो, तो उसने अपना क्रेडेंशियल बनाया है और वो अपना वेबसाइट में यहाँ पे टेंडर डाल देगा। तो आपको ये टेंडर कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। कैसे देखोगे, बिड लिस्ट ऑफ बिड, अब जिसको जो भी डिपार्टमेंट को जो भी सामान चाहिए वो यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये टेंडर दिखना चालू हो गया कि हमको यहाँ पे टेंडर दिख रहा है। अब इस तरीके से टेंडर दिखेगा, जैसे कि मॉड्यूलर वर्क स्टेशन चाहिए, किसको चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को। यहाँ पे जो भी टेंडर आएंगे सब गवर्नमेंट बॉडी के आएंगे, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जेम पे अलाउड नहीं है, जैसे कि मैंने फर्स्ट डे के लेक्चर में ही बताया था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चाहिए, ये चाहिए कितना, टोटल 14 नंबर्स, कितना चाहिए, 84। सर प्लीज आप अनम्यूट करने मत करो सर, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, मुझे बार बार जाके आपको म्यूट करना पड़ता है, ये आप इतने दिन से लेक्चर ले रहे हो हमारे साथ, तो आज 5th डे पे हो, फिर भी यदि आप यही चीज रिपीट करेंगे तो हमारा भी टाइम जा रहा है और हमारे साथ आप 50 लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो सर प्लीज रिक्वेस्ट है ये आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूलर वर्क स्टेशन चाहिए उनको और एग्जीक्यूटिव टेबल चाहिए, ऐसे दो चीजों का उसने अपना प्रोडक्ट जेम पे डाल दिया है कि मुझे ये चाहिए। तो आपको जो रेट है, आप क्या रेट पे डालना चाहते हो, वो कोट करने का लास्ट डेट उसने कब डाला है कि 25 तारीख तक मुझे आप अपना रेट बता दो शाम के 7 बजे तक। उसको कब उसने रिक्वायरमेंट अपना डाला है, 11 तारीख को, कब डाला है उसने, 11/11 को, मतलब 11 नवंबर को डाला है, और वो बोल रहा है 25 तारीख तक जो भी इंटरेस्टेड है ये चीजें देने तक वो 7 बजे तक अपना मुझे रेट वगैरह बता दो, ऐसा उसने बताया। अब जिसको भी इंटरेस्टेड है, यहाँ पे एक ऑनलाइन तरीका होगा टेंडर भरने का, वो आप उस तरीके से अपना रेट डाल देंगे, है ना, रेट डाल के फिर ये टेंडर खुलेगा और फिर जो सबसे कम रेट भरेगा उसको ये काम मिल जाएगा। जो सबसे कम रेट भरेगा उसको क्या बोलते हैं, L1, L1 मतलब लोएस्ट वन, H1 मतलब हाईएस्ट वन, जो सबसे ज्यादा रेट डालेगा उसको क्या बोलेंगे, H1, जो सबसे कम रेट डालेगा उसको क्या बोलेंगे, L1, लोएस्ट वन। ये आपको एक बेसिक गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, इसमें भी थोड़े और मॉडिफाई करते हैं हम इसमें। अब सिर्फ इसमें रेट की बात नहीं होती है, क्यों रेट की सिर्फ बात नहीं होती, इसलिए इसमें अब मान लीजिए मुझे थोड़ा सा हम लोग अपग्रेड होते हैं, अब मुझे कोई काम चाहिए, अब मान लीजिए मुझे ही खुद घर के, अब मुझे एक, मेरे पास एक 2 गुंठे का एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे मुझे एक घर बांधना है, एक बंगलो बांधना है, मुझे अभी आदमी चाहिए, कॉन्ट्रेक्टर चाहिए कि कौन मुझे ये घर बांध के देगा। मैंने अपना न्यूज़पेपर में डाल दिया कि मुझे, मेरे पास ऐसे 2 गुंठे का प्रॉपर्टी है, मेरे पास डिजाइन है, ऐसे ऐसे है, मुझे यहाँ पे घर बांध के कौन देने वाला है बताओ। बहुत सारे लोग आए मेरे पास, पर रेट किसने कम किया, एक जिसने आज तक कभी कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ भी काम नहीं किया है उसने अपना एक रेट कोट कर दिया और उसका रेट सबसे ज्यादा है, पर उसको कोई काम नहीं पता है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है काम का,
तो क्या मैं उनको काम दूंगा? आपको क्या लगता है, आप लोग कोई उसको काम देंगे? हो सकता है कि कोई उसको काम दे दे, उन किसी को सिर्फ पैसा ही मेन पॉइंट है, मुझे कम पैसे में चाहिए, तो वो उसको काम दे देगा। बहुत सारे का कंसर्न होगा, नहीं मुझे पैसा तो देखना है, साथ में मुझे थोड़े अच्छे आदमी भी चाहिए। कल दिन उसको काम दिया और 2 महीने में घर गिर गया तो क्या करेंगे? जो मैंने 20-30 लाख रुपया डाला है वो वेस्ट हो जाएगा। बराबर है? तो कुछ तो आपने रूल्स लगाओगे। तो ये जो 40 लोग आए मेरे पास, तो हम उसको क्या फिल्टर लगाएंगे? तो हमने कुछ डिसीजन लिया कि एटलीस्ट आप एक बंगलो का काम कहीं पर तो किया हुआ होना चाहिए। और क्या बोला, आपके पास यदि मैं आपको 1 करोड़ का काम दे रहा हूं, तो एटलीस्ट आपके पास 50 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, तब तो पता चलेगा हाँ आप काम कर रहे थे। और भी कुछ मांग सकते हैं आपसे? तो मेरे हिसाब से मुझे जो भी कंडीशन सही लगेगा हम वो कंडीशन पहले डाल देंगे। अब मेरे पास 40 में से हम उनका रे उनसे हमने कोटेशन ही नहीं लिया। किनसे नहीं लिया? जो लोग मेरे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे, मतलब मैंने जो रूल्स सेट किए थे उसमें जो लोग नहीं बैठे, क्योंकि मैं उसका रेट लेके क्या करूं, उसको मुझे काम देना ही नहीं है। तो हमने उसको पहले ही निकाल दिया कि तुम्हारा रेट मुझे देखना ही नहीं है। रेट किसका देखेंगे? जिनका मेरे कंडीशन में जो लोग फिट बैठता है। ऐसे ही गवर्नमेंट बॉडी में यहां पर भी काम होता है। यहां पे दो इनवेलप मिलेंगे आपको, एक को बोलेंगे टेक्निकल और दूसरे को बोलेंगे फाइनेंस। टेक्निकल दैट मींस क्या हो गया, ये जो हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स का, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा चाहिए, ये जो है ये टेक्निकल का पार्ट है। अब यहां पे ऑनलाइन तो हम टेंडर भरने के लिए रोक नहीं सकते किसी को, तो मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। ये हमने तो ये थोड़ा गवर्नमेंट बॉडी का एक नॉर्म्स बनाया गया, तो एक को नाम दिया गया टेक्निकल और दूसरे को नाम दिया गया फाइनेंस। टेक्निकल हमें ये बताता है कि आप के जो भी हमने इलिजिबल क्राइटेरिया रखा था, इलिजिबल क्राइटेरिया मतलब जैसे कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई, वो सब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से पार्टी के पास है या कौन कौन से सप्लायर के पास है। जो लोग टेक्निकल में डॉक्यूमेंट्स को पास करेगा उनका ही रेट खुलेगा फाइनेंस में, और फिर फाइनेंस में जो सबसे कम रेट कोट करेगा उसको टेंडर मिल जाएगा। ये रूल्स के अकॉर्डिंगली जेम पे या फिर गवर्नमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इसी रूल के साथ यहाँ पे काम होता है। अब बात करते हैं थोड़े से जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ क्या क्या मांग सकता है। तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांग सकता है। अब ये कौन डिसाइड करेगा, जिनका टेंडर है वो बायर। अब ये हर टेंडर में अपने अपने बायर होंगे अलग अलग, वो बायर अपने अपने नॉर्म्स डिसाइड करेगा, पर एक नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकता है, वो आपसे मांग सकता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पास्ट परफॉर्मेंस, तीन आईटीआर, थर्ड फोर्थ ओएम ऑथराइजेशन, ओएम आईटीआर बोलो या ओएम एनुअल टर्नओवर बोलो, ठीक है। पांच एटीसी एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन, और बीओक्यू स्पेसिफिकेशन। जेम में यदि आपको ये 7 चीजें पता चल गया, ये जो मैंने 7 लिख के दिए, इसके ऊपर और कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे कभी नहीं मांगा जाएगा। यहीं पर थोड़ा बहुत आपसे और अलग से डॉक्यूमेंट्स रहा तो ऐसा लिख देगा, ATC 1 ATC 2 ऐसा लिख सकता है, पर इसी का पार्ट। ये छोड़ के अलग कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे जेम के वेबसाइट में नहीं मिलेगा, इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, एक्सपीरियंस, पास्ट परफॉर्मेंस, आईटीआर, ओएम ऑथराइजेशन, ओएम आईटीआर, एटीसी और बीओक्यू स्पेसिफिकेशन। अब डिपेंड अपॉन टेंडर ये चीजें बदल जाएगा,
किसी के पास एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा कोई टेंडर में, कोई डॉक्यूमेंट टेंडर में सिर्फ एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में सिर्फ ओजीएम ऑथराइजेशन मांगा है, अब डिपेंड, किसी में सिर्फ एटीसी मांगा है, किसी में सिर्फ आईटीआर मांगा है, किसी में ये सब मांगा है, किसी में आईटीआर और ओजीएम ऑथराइजेशन मांगा है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? जिसको खरीदना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट होगा वो सब डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है कि नहीं यही डिसाइड करेगा टेक्निकल, और जो लोग डॉक्यूमेंट सही डालेंगे वही लोग फाइनेंस में जाएंगे, और फाइनेंस में जो सबसे कम रेट कोट करेगा उसको ये टेंडर मिल जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, एक्सपीरियंस मतलब क्या, पास्ट परफॉर्मेंस में क्या डॉक्यूमेंट डालोगे, आईटीआर में क्या डालोगे, ये हम लोग आगे के लेक्चर में मैं कवर करूंगा। फिलहाल एक समराइज में मतलब सिर्फ मैं आपको टेंडर समझा रहा था, एग्जैक्ट टेंडर होता क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है वो मैं आपको समझा रहा था। क्लियर है? कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ डाउट्स है तो बताओ। एटीसी 1 एंड 2 कुछ नहीं सर, एटीसी को ही मान लीजिए, एटीसी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो एक फोल्डर में नहीं आ रहा है, तो उसको मल्टीपल फोल्डर में क्रिएट कर देना, उसको ही एटीसी 1 2 बोलते हैं। बस एडीसी मतलब एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन में बायर अलग से आपसे कुछ मांग सकता है, जैसे आईएसओ मांग सकता है, बीआईएस मांग सकता है, या दूसरा और भी कुछ, जीएसटी मांग सकता है, उद्यम मांग सकता है, ओईएम आईटीआर मतलब वो जिस कंपनी का प्रोडक्ट दे रहे हो उनका भी आईटीआर, उनका भी टर्नओवर सर्टिफिकेट। बीओक्यू स्पेसिफिकेशन मतलब जो प्रोडक्ट है, जैसे ये मॉड्यूलर वर्क स्टेशन है, इस प्रोडक्ट का कैटलॉग देना है, जो आप मॉड्यूलर वर्क स्टेशन कैसा मुझे देने वाले हो, उसका पिक्चर, उसका डिटेल्स, उसको बीओक्यू मतलब प्रोडक्ट का कैटलॉग को हम लोग बीओक्यू स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। अजय सर बोलिए। अजय सर हेलो सर, हाँ बोलिए। एक बीड हमारे यहाँ ओपन हुआ है नहीं तो पहले आया इसमें था। बताओ, इसमें कुछ है क्या टेंडर को अरे वो इसी के अनुसार से मैं समझना बात करना चाह रहा था कि जैसे कि बीड हुआ तो उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट किए हुए पर्सन ने अपना एमएसएमई अपलोड किया पेपर, तो उनका कहना नाम ये था कि एमएसएमई का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चरर, तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि वो मैन्युफैक्चरर हैं कि सिर्फ वो पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, वो बराबर, कैसे सॉल्यूशन उनको मिलेगा? उनके साथ उनको ट्रेडमार्क मांग लीजिए, या फिर ओईएम का वो जेम पे ओईएम है उसका प्रूफ मांग लीजिए, या फिर एनएसआईसी का सर्टिफिकेट मांग लीजिए, या फिर बीआईएस का लाइसेंस मांग लीजिए, तो जी पता चल जाएगा। ये चार ऐसे चीजें हैं जिससे पता चल जाएगा कि आप ओईएम हो कि नहीं। समझ में आया क्या? चार डॉक्यूमेंट यस होंगे वो मैं बता जी दूंगा, देखो और एक बार लिख देता हूँ। चार जी ऐसे सर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे पता चल जाता है आपके पास बीआईएस, चारों में से कोई भी एक, यस एनएसआईसी, या फिर ट्रेडमार्क, टीएम ट्रेडमार्क होना चाहिए, या यस सर फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे, जेम पे आप ओईएम होना चाहिए, जेम का ओईएम जिसको हम लोग बोलते हैं वेंडर असेसमेंट, वेंडर असेसमेंट का फोटो। ओके सर ठीक है, ये चार ऐसी जगह है जिससे पता चल जाएगा, ये गवर्नमेंट बॉडी, यही चार चीजों से आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ वो ओएम है, मैं और सर ये सब चीज ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा। बीआईएस के ये वेबसाइट पे जाके बीआईएस नंबर डाल दिया तो पता चल जाएगा ये सही है या गलत सर है, एनआईसी की वेबसाइट में जाके आप डाल दिया तो भी पता चल जाएगा, ट्रेडमार्क भी ऑनलाइन है, जेम का वेंडर असेसमेंट भी, सबको पता चल जाएगा। क्लियर है? ओके सर क्लियर सर चलिए तो हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स में डिस्कशन करते हैं अभी। ये तो सिर्फ हो गया टेंडर का एक ओवरव्यू, टेंडर होता क्या है। अब हम लोग एक टेंडर डाउनलोड करेंगे और सर्च करके फिर आपको मैं टेंडर पूरा पढ़ना सिखाऊंगा, और हम लोग अब डिटेल्स में जाएंगे।